More breaking news coming in. Bihar CM Nitish Kumar, Lalan Singh and Sanjay Jha have also participated from JDU in the meeting of India Alliance. We're also learning that Lalu Prasad Yadav and Tejaswi Yadav have been included from the RJD. Meanwhile, my colleague Shakti joins us on the broadcast to give us more on this. Shakti, over to you. देखिए, इंडिया गठबंधन की जो बैठक शुरू हो गई है थोड़ी देर पहले शुरू हुई है, वर्चुअल तरीके से जो है ये माध्यम से ये बैठक शुरू हुई है। और आपको बताएं कि इस बैठक में जेडीयू के की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, ललन सिंह हैं, संजय झा हैं। नीतीश कुमार के दोनों बहुत ही करीबी माने जाते हैं, वो दोनों नेता साथ में है। और साथ ही साथ अगर बात करें आरजेडी की तो आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों जो है इस वर्चुअल मीटिंग में जो है शामिल है। और इस आपको बताएं कि इस बैठक में जो है नीतीश कुमार को संयोजक के पद को लेकर जो नाम जो पिछले कई दिनों से चल रही चर्चा उसको लेकर भी बात हो रही है। और साथ साथ सीट शेयरिंग का जो मेन पेज जो फंसा हुआ है उसको लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और ऐसे में जेडीयू ने जो है पिछली बार 17 सीटें पे जेडीयू ने चुनाव लड़ा था और उसमें 16 सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी। हालांकि उस समय जो है बीजेपी के साथ जेडीयू गठबंधन में थी। तो अब जो है फिर से जेडीयू के तमाम नेता, बड़े नेता जो है लगातार कह रहे हैं कि जो जेडीयू है वो सीटिंग सीट है 16, उससे कम पे जो है कोई बातचीत नहीं होगी। यानी कि जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 16 जो सीटिंग सीट है जेडीयू की वो जेडीयू नहीं छोड़ेगी। और वही यही नहीं, सीट के अलावा जो जो पर्टिकुलर 16 सीटें हैं उन सीटों पर भी जेडीयू जो है अपने ही उम्मीदवार उतारेगी और उसको लेकर भी कोई चर्चा नहीं होगी। और साथ ही साथ आप बात करें तो इसको लेकर भी जो अंदर खाने लगातार जेडीयू और आरजेडी के बीच में नाराजगी चल रही थी और जेडीयू ने साफ कर दिया था कि जो सीट शेयरिंग का मामला है वो आरजेडी जो है कांग्रेस से बात करे और लेफ्ट पार्टियों से बात करे, क्योंकि जेडीयू का जो गठबंधन है वो आरजेडी के साथ है और आरजेडी का गठबंधन जो है कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का है। तो कहीं ना कहीं जो पेज फंसा हुआ था सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में 40 सीटों को लेकर, उस पर भी आज चर्चा होगी, बैठक में हो रही है। और तमाम चीजों को लेकर और साथ में जो इंडिया गठबंधन को लेकर संयोजक के पद नीतीश कुमार लगातार आपको बताएं कि पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी लगातार कर रही है कि नीतीश कुमार को बड़ा ओहदा, बड़ा पद दिया जाए इंडिया गठबंधन में, तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि इसको लेकर अब ममता बनर्जी जो पिछले बैठक जब दिल्ली में हुई थी तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उन्होंने आगे किया था, तो उसके बाद से ही नीतीश कुमार लगातार नाराज चल रहे थे, लेकिन आज की बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को संयोजक पद कांग्रेस और तमाम जो दल के नेता है वो दे सकते हैं और कहीं ना कहीं इसी बात के कारण जो है ममता बनर्जी जो है इस बैठक में शामिल नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो पहले से ही किसी काम में कार्यक्रम में व्यस्त हैं। तो इस तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो रही है और खास करके जो सीटों को लेकर 40 सीटों में से कितनी सीटों पे जेडीयू चुनाव लड़े, कितनी सीटों पे आरजेडी चुनाव लड़े, कांग्रेस को कितनी सीटें दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस बिहार में पिछले कई 2-3 दशकों से हम बात करें कांग्रेस जो है आरजेडी के सहारे जो चुनाव लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो लड़ती रही है और अपना वजूद को बचाने के लगातार कांग्रेस तैयार है। ऐसे में कांग्रेस को जो है बिहार में जो जेडीयू आरजेडी है उसे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है और 4 से 5 सीटें जो कांग्रेस को इन आरजेडी और जेडीयू की तरफ से ऑफर किया जा सकता है इन तमाम चीजों। और साथ ही आपको बताएं कि लेफ्ट पार्टियां ने भी जो है 5 सीटों पर अपना दावेदारी बिहार में रोक रखी है, तो कहीं ना कहीं लेफ्ट पार्टियों को भी 2 से 3 सीटें दी जा सकती है। अब आप बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखने वाली बात होगी कि सीट शेयरिंग का जो 40 सीट का फॉर्मूला है बिहार में वो किस पार्टी को कितने सीटें पर दिया जा सकता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.